11 सितंबर 2021 को होने जा रहा है न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा लोक अदालत का आयोजन। जिला और सत्र न्यायालय फिरोजाबाद में केंद्रीय सभागार में न्यायाधीश ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान श्याम कुमार प्रथम अपर जिला जज, मीनाक्षी सिन्हा सचिव, सिविल जज आजाद सिंह नोडल अधिकारी अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रहे उपस्थित। हजारों की संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंडिंग पड़े वादों का किया जाएगा निस्तारण। अपर जिला जज प्रथम ने जनपद की जनता से की अपील, कहा कि लंबे समय से लंबित वादों के निस्तारण को कराने के लिए इस लोक अदालत में भाग जरूर लें, जिससे कि पेंडिंग पड़े वादों का निस्तारण हो सके। सर एक मिनट जी सर, सर आज का ये प्रेस वार्ता रखी सर क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है नालसा के द्वारा 11 सितंबर 2021 को। उसमें जो भी हमारे सामने 16 समझौते से जितने मुकदमे हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें आपका जो मुकदमे हैं अलग अलग तरीके के हैं। श्रमिक प्रकार के जो आपराधिक वाद हैं, बैंक बाउंस से चेक बाउंस से संबंधित मामले हैं, उत्तराधिकार वाद है, बैंक रिकवरी है, मोटर दुर्घटना से संबंधित मुकदमे हैं, श्रम न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं वहाँ से भी जो हैं, बिजली के वैवाहिक मुकदमे जो हैं उससे संबंधित तमाम मुकदमे जो हैं जिनको हम सुलह समझौते से विस्तारित कर सकते हैं, उसके लिए सब जो है उस पर कर सकते हैं। कितने मुकदमों का सर लक्ष्य रखा गया है? हम लोगों का जो है लक्ष्य जो हमने रखा है पिछली बार, इस बार का हमारा लक्ष्य है 12,000 मुकदमे, जिसमें से भी हमारे चिन्हित मुकदमे हैं 10,320। सर समय कितना रहेगा लगभग सुबह से लेकर? सुबह हमारा 10 बजे शुरू होगा, शाम के 5 बजे तक। ये हमारा जो समय है 11 तारीख को जो अगर कोर्ट में लंबित मुकदमे हैं तो वहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र को देकर उसको आप करा सकते हैं। सुलह समझौते से जो मुकदमे निस्तारित किए जा सकते हैं वो सारे जो लोक अदालत में संभव है वो सारे डिसाइड किए जाए। जनपद की जनता कोई संदेश देना चाहिए? जनता के लिए तो बस यही संदेश है कि भाई ये खुला निमंत्रण है, जो मुकदमे पेंडिंग हैं जहाँ पे बहुत आयात है, हम लोग जैसे कहा जाता है कि न्यायालय में तमाम पुराने मुकदमों की भरमार है, तो कुछ मुकदमों को सहयोग अगर जनता का मिलेगा तो जो ऐसे मुकदमे जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं उसको आएँ निपटाएँ, और जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी लोग आएंगे नहीं, तब तक हमारा ये जो पर्पज है, जो हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। हमारे तो यही आग्रह है कि सभी लोग जो इस प्रकार के मुकदमों को निस्तारित करना चाहते हैं न्यायालय में आएँ और उसके लिए अपना जिसका जो लाभ है वो लें।